गुड मॉर्निंग एवरी वन आज की जो अपनी क्लास है एरेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि अपन जो क्लास लेके आए हैं एरे के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे पार्ट वन रहेगा आपका ये तो अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप है ना तो इसको आप थोड़े से प्रैक्टिस में लेते रहिए तो अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसमें क्वेश्चन का टाइटल हो गया एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ कि एरे एरे किसका कलेक्शन होता है तो कलेक्शन अपन बोलते हैं ना कि एरे को एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा है ना तो अपन यहाँ पे एक सिमिलर डेटा एक तो ये याद होना चाहिए है ना और रिलेटेड डेटा रिलेटेड डेटा का कलेक्शन हो सकता है मतलब एक से रिलेट होनी चाहिए और होमोजीनियस डेटा होमोजीनियस जी ई एन ओ यू एस होमो होमोजीनियस डेटा तो ये सिमिलर याद रख लो रिलेटेड याद रख लो होमोजीनियस डेटा देखो सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होगा कि एरे किसको बोलेंगे अपन सिमिलर डेटा डेटा टाइप कि एरे एरे में एक तरह का 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 आता है है याद रखने पॉइंट अगर स्ट्रक्चर से किस करते हैं तो स्ट्रक्चर इस में इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखो नावेशन क्वेश्चन नंबर टू एरे एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कि एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं एरे की जो वैल्यूज होती है वो मेमोरी में कैसे स्टोर्ड होती है तो एरे को अपन है ना लीनियर लिस्ट कह सकता हूँ या सिक्वेंसल लिस्ट कह सकता हूँ एरे में डेटा सीरियल वे में है ना स्टोर होता है तो आप सीरियल वे में डेटा स्टोर होगा है ना या सिक्वेंसल वे में होगा तो ये आप ये याद रख सकते हो है ना यह लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हो कि डेटा का जो स्टोरेज होगा वो मेमोरी में ना रेगुलर होता है कंटिग्यूअस होता है ये कंटिग्यूअस कंटिग्यूअस एलोकेशन होगा तो पहला डेटा देन सेकंड डेटा फिर थर्ड एंड सोन कोई भी मेमोरी में ना ऐसे स्केटर के फॉर्म में नहीं होगा बिखरावा नहीं होगा तो लगातार है ना सीरियल वे में वन आफ्टर अनादर तो सीरियल स्टोरेज होता है एरे में ध्यान देने का पॉइंट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत एरे आती है तो ये भी ध्यान देने का पॉइंट है तो एरिय को अपन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलेंगे लीनियर का मतलब सीरियल वे में या वे में ऑल एलिमेंट्स अपनी मेमोरी में स्टोर होंगे ये मेमोरी की जो लोकेशन होगी वो कंटिग्यूस लोकेशन होती है और सीरियल वे में डेटा चलता है तो इसका आंसर आपका है ना बी रहेगा करेक्ट आंसर आप बी रहेगा इसके अटर फॉर फॉर्मेट में डेटा नहीं होता सिक्वेंसल कंटिग्यूअस uh, होता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन ए करेक्टर ऑलवेज एंड्स विद कि कोई भी करेक्टर्स की एरे होगी सपोज अपन ने मान लो ये जयपुर वर्ड लिया है ना अब ये जयपुर एक स्ट्रिंग है अब ये स्ट्रिंग जो बनती है ना ये डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर से बनती है तो जे एक आपका सिंगल कैरेक्टर होगा ए एक सिंगल कैरेक्टर होगा आई है ना इंडिविजुअल कैरेक्टर होगा फिर पी यू आएगा फिर है ना यू आएगा है ना फिर आर आएगा और फिर लास्ट में ए करेक्टर और होता है तो ये याद रख लो कि स्ट्रिंग का जो एंड होता है ना करेक्टर्स की एरे का जो एंड होता है इसको अपन है ना नल करेक्टर कहेंगे ये ऑटोमेटिकली लगता है पर नहीं लगाते तो ये नल करेक्टर कर जीरो होता है ये इसको अपन जीरो पढ़ेंगे ओ नहीं पढ़ेंगे या ध्यान देने का पॉइंट है कि वेक्सलेस जीरो से करेक्टर्स की एरे का एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं आता फुल स्टॉप भी नहीं आएगा नन ऑफ दीज भी नहीं रहेगा तो इसका करेक्टर आंसर ए रहेगा ध्यान देने का पॉइंट है कि स्ट्रिंग को जब टर्मिनेट करते हैं करेक्टर्स की एरे को जब टर्मिनेट करते हैं तो नल करेक्टर उसके एंड में लगता है ऑटोमेटिकली लगेगा तो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर प्लस नल करेक्टर्स साइज भी अगर अपन स्ट्रिंग डेटा की स्टोरेज में लेके चलेंगे तो वन है नल करेक्टर की साइज एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई होती है तो अगर आपको मेमोरी में ट्वेंटी कैरेक्टर का स्टोरेज करना हो तो ट्वेंटी वन अपन है ना इस नल कैरेक्टर को लेंगे तो ट्वेंटी वन टोटल एग्जेक्ट साइज अपन यूज करेंगे तो नल कैरेक्टर मेमोरी का एक बाइट ऑक्युपाई करेगा तो ये है ना ये नल कैरेक्टर है ये बेक्सलेस हो गया और ये आपका जीरो हो गया तो ये कौन से कैरेक्टर में आता है वाइट स्पेसेज में इसको अपन है ना वाइट स्पेसेज कैरेक्टर भी कहते हैं ये ये हिडन कैरेक्टर होता है अपन को इंडिकेट नहीं करेगा और एक बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा ये है है ना ना और और ये ये करेगा और कर देते जैसे अपन का एंड करेंगे तो ये लग जाएगा अब जैसे मैंने जयपुर लिखा ना तो जयपुर में है ना नल करेक्टर दिख नहीं रहा मेरे को तो इसमें एक लास्ट में एंड ऑफ जब मार्कर होगा तो ये नल करेक्टर का है ना एक इंडिकेशन होगा ये तो ये नल करेक्टर एंड ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं इसको ऑटोमेटिकली लगेगा तो जब भी करेक्टर्स के एरे का एंड करेंगे तो नल करेक्टर्स का करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें फोर्थ नंबर का इफ यू डिक्लेयर एरे विदाउट स्टेटिक द एलिमेंट्स इट विल बी सेट टू तो अगर अपन विदाउट स्टैटिक कोई भी एरे का डिक्लेरेशन करते हैं सपोज एक तो अपन से कर दें कि ए फाइव है ना और एक मैंने है ना ऐसे कर दिया इस्टेटिक है ना इंटीजर ए फाइव अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है ये तो स्टेटिक स्टोरेज क्लास बोलते हैं इसको तो की वर्ड है ये है ना ये तो आपका की वर्ड है तो कीवर्ड है फिक्स वर्ड है की वर्ड है ना तो और ये, ये स्टोरेज क्लास के अंतर्गत आता है तो इसकी एक स्पेसिफिक मीनिंग हो जाती है स्टेटिक की तो एक तो ये बाई डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू जीरो लेके चलता है ये अगर वेरिएबल में वैल्यू भी नहीं डालूंगा और स्टेटिक लगा के मैं डिक्लेरेशन करूँगा तो इनिशियल वैल्यू बाय ये जीरो रखेगा और स्टेटमेंट को ये वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा ओनली है ना वन टाइम एग्जीक्यूट ये भी ध्यान देने का स्टेटिक तो क्या करेगा ये बाय जीरो वैल्यू रखता है और वन टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है तो स्टेटिक अगर अपन नहीं लगाए और डिक्लेरेशन करते हैं तो डायरेक्ट डिक्लेरेशन करता हूं तो ये है ना बाय डिफॉल्ट ऑटो लेके चलता है तो यहाँ पे है ना क्या वैल्यू स्टोर करेगा अब अपन ने कोई वैल्यू दी नहीं तो वैल्यू अगर नहीं दी तो ये गार्बेज वैल्यू लेके चलेगा बाय डिफॉल्ट है ना बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अपन तो बाय डिफॉल्ट ये गार्बेज कलेक्शन रखेगा और अगर अपन स्टडी करके में करता सी लैंग्वेज में तो देन बाय ये जीरो वैल्यू लेके चलता ये ध्यान देने का पॉइंट है तो कोई भी अगर अपन डिक्लेरेशन कर दे कोई भी वैल्यू इनिशियल नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट वो फिर क्या वैल्यू सेट करेगा एरे के अंदर तो बाय डिफॉल्ट है ना गार्बेज वैल्यू सेट करता है हो सकता है कि आपके जो लेटेस्ट कंपाइलर है वो बाय डिफॉल्ट है ना जीरो वैल्यू सेट करते हैं और अपन सी लैंग्वेज की यहाँ बात कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट एक गारबेज वैल्यू लेके चलेगा अगर गार्बेज वैल्यू लेके अपन को असाइन नहीं करनी है तो देन फिर स्टेटिक कीवर्ड की हेल्प ले लो तो स्टेटिक की वर्ड बाई डिफॉल्ट जीरो वैल्यू इनिशियल करके चलेगा एक सेट क्रिएट कर देगा मेमोरी में फिर आगे अगर अपन उसके कोई कॉपी करेंगे तो प्रीवियस वैल्यू कोई कॉपी करता हुआ आगे चलेगा वन टाइम एग्जीक्यूट करता है ये ध्यान देने का पॉइंट हो जाता है यहाँ पे तो विदाउट स्टेटिक में तो ये बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू सेट करेगा तो ये है ना गार्बेज वैल्यू सेट करेगा फिर अगर अपन डिस्प्ले करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो फिर कोई भी वैल्यू मेमोरी से वो एक्सेप्ट कर लेगा उसकेश में तो कई कंपाइलर जो जैसे आगे अपन है ना सी नाइनटी नाइन है हो सकता है कि उनमें जीरो ले ले बाकी सी लैंग्वेज की जो बात कर रहे हैं उसमें ले ले फिर नेक्स्ट एरे को अपन कब इनिशियलाइज नहीं कर सकते तो है ना तो अगर ये दे रखा हो जैसे अपन को ऑटोमेटिक दे रखा हो एक्सटर्नल दे रखा हो स्टेटिक दे रखा हो तो ऐसे याद रख लो कि ये है ना ये क्या चीज है तो अपने पास एक तो ऑटो कीवर्ड होता है एक ना की है एक ना एक्सटर्न कीवर्ड होता है एक्सटर्न एक है ना स्टैटिक कीवर्ड होता है और एक होता है अपने पास रजिस्टर कीवर्ड होता है तो एरे को अपन के कभी इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते तो उस केस में अगर ऑटोमेटिक यूज करें अपन कीवर्ड को तो ऑटोमेटिक अपन है ना अगर दे रखा अपन को तो द एरे को अपन इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते एरे कैन नोट भी इनिशियलाइज इफ दे आर ऑटोमेटिक तो वेरिएबल ले रखा अपन ने एरे का तो ऑटोमेटिक में अपन इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते पॉइंट है तो ए स्टेटिक में अपना इनिशियलाइजेशन हो जाता है एक्सटर्नल में भी हो जाता है और रजिस्टर्स में भी है ना ये मेमोरी ये फास्ट वे में एक्सेस करनी हो तो देन रजिस्टर वेरियबल की जरूरत पड़ती है तो फिलहाल इसमें रजिस्टर अपन को देनी रखा तो यहाँ पे फिलहाल ऑटोमेटिक है ना ध्यान देना तो इसको अपन क्या बोलते हैं चारों की को तो चारों की को अपन है ना स्टेटिक कीवर्ड बोलते हैं इनका अलग अलग स्कोप होता है अलग अलग लाइफ होती है अगर अपन इन की को लगा के स्टोरेज क्रिएट करें तो इनकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है यूजेबिलिटी के अकॉर्डिंग लाइफ के अकॉर्डिंग स्कोप के अकॉर्डिंग तो इन सब का आगे अपना एक वीडियो अपन है ना इन स्टोरेज क्लास पे रिलीज करेंगे तो आप बेल आइकन पे क्लिक कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ये ऑब्जेक्टिव में है ना एम में इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो ये पॉइंट है ना आपको ध्यान देने का है कि कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो अपन को न, magium, auto, external, है ना मैक्सिमम ऑटो एक्सटर्नल स्टेटिक स्टोरेज क्लास के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं अपन को तो ये स्टोरेज क्लासेज के ऊपर अपन को आना चाहिए इसको बोलते अपन स्टोरेज क्लासेस तो चार तरह के स्टोरेज क्लासेस है ये ठीक है ना तो अपन को यह आ जाना चाहिए तो यहाँ फिलहाल ऑटोमेटिक रहेगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऑल द एलिमेंट इन द एरे मस्ट बी कि एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट अपन असाइन करें है ना और अपन डिफाइन करें तो अपन को ना क्या जरूरत पड़ेगी ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे मस्ट बी इनिशियलाइजेशन होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए कि अपन जैसे पहले तो एरिए को डिक्लेरेशन करेंगे ना तो ये तो आपके एरिये डिफाइन हो गई और फिर देन उसमें है ना इनिशियलाइजेशन हो सकता है तो बोथ जैसे ये डेटा मैंने है ना डाल दिया एरे में इस तरह से है ना तो कोई भी एरिए में एलिमेंट्स को अपन यूज करेंगे तो वो इनिशियलाइजेशन होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए तो ये बोथ ना इसका आंसर सी रहेगा अपना क्योंकि पहले डिफाइन करोगे देन फिर इनिशियलाइजेशन होता है तो कोई भी है ना एरिए में एलिमेंट्स को अपन यूज करना चाहेंगे तो फिर ये इंग्लिश डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाएगा तो अपना इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा फिर नेक्स्ट देखो नंबर का अब इस में ये अपन को एक प्रोग्राम का कोड दे रखा है तो ये तो लिंकिंग सेक्शन हो गया लाइब्रेरी फाइल का यूज किया हुआ है यहाँ पे ये है ना इंटीजर मेन से स्टार्ट है ये रिटर्न किया हुआ है तो ये मेन फंक्शन है ना यहाँ से शुरू है यहाँ पे क्लोज है अब अपन इसका लॉजिक देखें अपन को ये एरे दे रखी है ए वन एक एरे दे रखी है इसमें है ना फाइव स्टोरेज कैपेसिटी है और ये पूरी वैल्यू है ना वन से सेट हो जाएगी तो इसका ये मतलब होगा कि ए जीरो आपका वन रहेगा ए वन ये भी वन रहेगा ये वन रहेगा ये, वन रहेगा ये वन रहेगा ये भी वन रहेगा ए टू भी आपका वन रहेगा ए थ्री भी है ना वन रहेगा ए फोर भी आपका वन रहेगा तो ये ऑल वैल्यू है ना वन से सेट है यहाँ पे और ऑल वैल्यू यहाँ वन से सेट हो रही है यहाँ पे है ना तो अपन आगे अगर इसको देखे कि ये क्या जनरेट करेगा ठीक है ना अब अपन देखो कि ये बी इक्वल जीरो दे रखा है अपन को और ये लूप चला रखा है तो लूप में ना ये कितने टाइम्स चलेगा तो ये बी का मान है ना जीरो लाएगा वन लाएगा टू लाएगा थ्री लाएगा, लाएगा, लाएगा फोर लाएगा तो ये फाइव टाइम्स लूप चलेगा फाइव टाइम्स लूप चलेगा ये अब अपन देखें कि लूप में ना क्या करेगा अब ये अपन को दे रखा है यहाँ पे प्लस प्लस ये क्या है ये प्लस प्लस है ना प्री इंक्रीमेंट है यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है ये ये प्री इंक्रीमेंट है अब प्री इंक्रीमेंट है तो ये क्या करेगा पहले है ना इंक्रीमेंट करेगा और देन फिर उसको आगे प्रोसेस करेगा ए वन को ए वन है ना ये ए वन जीरो लेके चल चलेगा ये मतलब ठीक है ना ए वन यहाँ से जीरो लेके चलेगा तो ये जीरो लेके चलेगा, तो ले चलेगा तो क्या डेटा लेके आएगा तो ये जो डेटा लेके आएगा तो सबसे पहले देखो कि ए ए

ए वन ए वन जीरो में क्या वैल्यू लाया ये 1 लाया ठीक है ना और यहाँ इसने किसको प्लस प्लस किया इसी को और इट सेल्फ में करेगा, ये देने का है। अगर मैं A की वैल्यू फाइव लेके आता हूँ प्लस 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 तो ये ए में ही इंक्रीमेंट होगा तो ए जीरो की वैल्यू में इंक्रीमेंट होके टू बन गया ए जीरो की वैल्यू में इंक्रीमेंट होके टू बन गया फिर ये क्या करेगा कि यहाँ टू हो चुका ना यहाँ पे ये पहली वैल्यू आपकी टू हो चुकी है ए जीरो आपका यहाँ पे टू हो चुका है यहाँ पे फिर अगेन दूसरा राउंड चलेगा लेके आएगा वन में है ना फिर ये ए जीरो यानी टू लेके आएगा फिर ये थ्री कर देगा फिर थ्री कर देगा है ना फिर फोर कर देगा फाइव कर देगा तो इसका आंसर जी आएगा टू करेगा फिर थ्री करेगा फोर करेगा फाइव करेगा सिक्स करेगा तो ये ए जीरो को ये है ना इंक्रीमेंट करता हुआ ये चीज जितनी भी ये रिपीटेशन करेगा ए जीरो ए जी ए वन जीरो की वैल्यू को ही इंक्रीमेंट करता हुआ रेगुलर है ना आगे प्रोसेस करेगा तो इसका ये आंसर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा है ना और यहाँ पे अपन ने जो ये आंसर लेके चले थे ना ए वन फाइव इक्वल वन तो ये फर्स्ट वैल्यू को तो ये जीरो वन से सेट करेगा और जो नेक्स्ट रिमेनिंग जो वैल्यू है वो जीरो जीरो से करेगा वन से नहीं करेगा ध्यान देने का थोड़े से गलत बोल गया ये ध्यान देने का पॉइंट है कि फर्स्ट वैल्यू को ये जीरो लेके चलेगा और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है है ना मतलब वन टू थ्री फोर उसको ये जीरो जीरो से सेट से करेगा क्योंकि यहाँ पे वन दिया हुआ है ना तो यहाँ पे ऑल वैल्यू वन नहीं करेगा ओनली फर्स्ट वैल्यू को ये वन करेगा बाकी नेक्स्ट वैल्यू को ये जीरो जीरो कर देगा बाकी रिमेनिंग जो भी ये स्टोरेज लोकेशन होगी और यहाँ पर यह ऑलवेज है ना ए वन जीरो मतलब फर्स्ट डेटा को ये यूज करेगा और फर्स्ट डेटा को ये चेंज करता हुआ इंक्रीमेंट करता हुआ ये प्रिंट करता रहेगा तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा ध्यान देने का पॉइंट हो गया ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हाउ मेनी इंटीजर वैल्यूज द कैन द एरे एन फाइव फाइव स्टोर अब यहाँ तुम देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है कि ये अपन को ये दे रखा ना इसको माइंड को फॉलो करना है यहाँ पे अपन ने देखा कि ये तो रो, रोज रोज है है ना और ये आपके कॉलम्स हैं अब कॉलम्स कितने यहाँ पे तो यहाँ पे पांच तो रो है तो आपका है ना पांच ईच रो में फाइव कॉलम है तो ऐसे अगर अपन देखें ये एक रो की वैल्यू है तो ऐसे पांच रो की वैल्यू है फाइव इंटू फाइव तो कितना रिजल्ट ट्वेंटी फाइव तो ये ट्वेंटी फाइव इंटीजर वैल्यू कैन बी स्टोर अपन इसमें कर सकते हैं तो ये इसका आंसर रहेगा ट्वेंटी फाइव तो इसका आंसर डी पे टिक करो फिर नेक्स्ट आंसर देखो वाट इंडेक्स वैल्यू शुड बी यूज टू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट ऑफ द इंटीजर एरे अब ये इंटीजर एरे है तो इसका ये मतलब होता है कि ये टेन ब्लॉक बन गए ये ये सिंपल सी थ्योरी है कि आपके ये है ना टेन ब्लॉक बन गए इसे तो ये जीरो हो गया वन हो गया ये टू हो गया थ्री हो गया है ना ऐसे करते करते या पे नाइन हो गया तो ये टेन ब्लॉक है टोटल सेम साइज के सेम साइज के अब सेम साइज के हैं तो इसमें है ना लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा तो ये एन माइनस वन हो गया तो एन माइनस वन ला टेन तो टेन में से एक कम कर दो तो नाइन हो गया तो लास्ट इंडेक्स रहेगा इसका नाइन जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है यहाँ पे तो टेन वैल्यू पे है ना नाइन पे टेन वैल्यू हो जाती है तो इसका आंसर है ना बी रहेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टेंथ नंबर का द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए फिक्सड साइज एरे बाई एलोटिंग एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एट कंपाइल टाइम इज कोल्ड एरे का जो अपन एलोकेशन करते हैं ना तो एरे का डिक्लेरेशन क्या होता है कि कंपाइलेशन की फेज में ही हो जाता है तो कंपाइलेशन के फेज में जैसे अपन करे कोई भी डिक्लेरेशन जैसे अपन नील लिखते हैं ना इंटीरियर ए हंड्रेड अब मैं इसको जब कंपाइल करूंगा तो ये है ना एरे क्रिएट हो गई ये एरे है ना कंपाइलेशन की फेज में क्रिएट हो गई है कंपाइलेशन की फेज में कंपाइल टाइम क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे हंड्रेड ब्लॉक्स क्रिएट कर लेगा फिक्स्ड साइज हो जाएगी ये इस साइज को मैं चेंज नहीं कर सकता फिर फिक्स्ड साइज एरे होगी सिक्वेंसल कलेक्शन होगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा इस्टेटिक मेमोरी एलोकेशन करेगा कंपाइल टाइम को करते ना इस्टेटिक स्टेटिक बोलेंगे अपन कंपाइल टाइम को और अगर रन करने के बाद अपन है ना मेमोरी यूज करे एरे की मेमोरी एलोकेशन करे रन करने में तो फिर वो रन टाइम हो जाएगा तो रन टाइम मेमोरी को अपन एलोकेट करते हैं वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन बोल देते हैं उसको तो अपन एरे की मेमोरी एक तो स्टेटिक मेमोरी यूज कर सकता हूँ मैं डायनामिक कर सकता हूँ

वन हो गया फिर एन वन पे आपका है ना डेटा ये टू हो गया और एन टू पे ये आपका डेटा है ना ये थ्री हो गया और फिर आगे ना अपन एन टू तक अपना लास्ट स्टोरेज रहेगा इंडेक्स लास्ट टू रहेगा फिर ये कह रहा है कि इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम इसका इसका इस स्टेटमेंट का क्या आउटपुट आएगा तो अपन ये डिक्लेयर कर रखा है इनिशियलाइजेशन कर रखा है तो वाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो अपन देखें कि ये अपना इसका जो आउटपुट है ये आउट ऑफ इंडेक्स है ये ना ये अपना आउट ऑफ इंडेक्स है आउट ऑफ इंडेक्स अब अपनी वैल्यू तो स्टोरेज में है नहीं तो स्टोरेज में नहीं है तो ये गार्बेज वैल्यू आएगी इसकी क्योंकि थ्री इसमें नहीं है फोर नहीं टू नहीं है टू तो है अपना फोर ना यहाँ पे थ्री भी है तो बाकी ये लोकेशन देखोगे ना इंडेक्स ये थ्री इंडेक्स है थ्री इंडेक्स पे कोई वैल्यू वेल, नहीं तो गार्बेज वैल्यू कहेंगे इसको डीएंगे कहीं कंपाइलर है ना या जीरो वैल्यू डिस्प्ले करेगा तो सी लैंग्वेज फिलहाल गार्बेज वैल्यू लेके चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर द द नेम्स ऑफ ऑफ फाइव स्टूडेंट फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर दिस अपन है ना मेमोरी में फाइव स्टूडेंट्स की लिस्ट रखना चाह रहे हैं तो फाइव स्टूडेंट की लिस्ट है ना कैसे बनेगी सपोज मैंने ना एक नाम दे दिया जैसे नरेश दे दिया है ना यहाँ पे श्याम दे दिया है ना ऐसे राम दे दिया है ना ऐसे मोहन दे दिया ठीक है ऐसे मान लो कैलाश दे दिया अब तुम देखोगे ना ये ए पहला नाम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो ये तो अपनी है ना हमेशा रो होती है ये तो और ये इसकी व्यर्थ होगी ये व्यर्थ होगी तो ये है ना ये कॉलम्स में बनेगी तो अपन को ये एरे बनानी है टू डी अब टू डी बनाओगे क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइव नेम्स फाइव स्टूडेंट का डेटा चाहिए अपन को फाइव स्टूडेंट्स चाहिए अपन को है ना नेम्स चाहिए तो अपन फाइव को देखो तो फाइव तो अपना एक तो ये आ रहा है तो पहले रो होती है हमेशा ये ध्यान देना कि रो का जब डिक्लेरेशन करते हैं तो रो सबसे पहले आती है फिर रो में कितनी वीर्थ बनाओगे है। तो अपन इसमें फाइव, तो फाइव और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव तो है ना व्यथ हो जाएगी नाम की अपन ये अगर मान लो ये विर्थ कंप्लीट नहीं होती तो आगे ब्लैंक स्पेस छोड़ देगा बी आंसर रहेगा करेक्ट आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एन एरे फाइव ट्वेंटी फाइव तो है ना अपने ये रो दे रखी है और ट्वेंटी रखा है डिक्लेयर्ड विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना अब इसलिए कह रहा है कि इस स्टेटमेंट ये पी है ना इस्म रहेगा यहाँ पे तो इस, इस स्टेटमेंट का क्या आउटपुट रहेगा तो अपन को इसकी पूरी साइज बतानी है अपन को इसकी साइज बतानी है अब साइज है ना इंटीजर में आएगी यहाँ पे अब इसमें जब क्वेश्चन जो अपन को दे रखा है ना यहाँ पे एन एरे फाइव ट्वेंटी स्टेटमेंट प्रिंट परसेंट एरे। अब पे अपन को क्लियर नहीं कर रखा कि ये करेक्टर की एरे है तो आप सपोज ये करेक्टर्स एरे मान लो अगर ये करेक्टर की एरे है तो करेक्टर्स की एरे में क्या होता है वन बाई टू होता है तो इसकी अपन को साइज देखनी है कितनी वैल्यू अपन स्टोरेज कर सकते हैं ऐसे इंटीजर भी हो सकती है फ्लोट भी हो सकता है तो अपन को तो ये देखना कि ये कितने स्टोरेज बॉक्स बने यहाँ पे तो फाइव और ट्वेंटी तो इसमें है ना टोटल है ना हंड्रेड बॉक्स बनेंगे यहाँ पे इसका हंड्रेड आंसर रहेगा अगर अपन इंटीजर करेक्टर फ्लोट होता है ना तो फिर बॉक्स की साइज अलग अलग हो सकती है फिलहाल मैं करेक्टर लेके चलूंगा ना तो ऐसे मान लो कि ये तो है ना ऐसे पांच हो गया पांच रो तो ऐसे हो गई ऐसे है ना ये जीरो वन टू थ्री ये फोर ये पांच रो हो गई और ऐसे ना ट्वेंटी फाइव ऐसे ब्लॉक्स बन जाएंगे यहाँ पे यहाँ पे जीरो वन ऐसे करते करते ट्वेंटी फोर तक तो यहाँ पे हो गया ना फाइव बाई ट्वेंटी फाइव की फाइव बाई ट्वेंटी की तो ये हंड्रेड हो जाएगी अब करेक्टर के बेस में तो ये है ना अगर इसकी साइज अपन देखें तो ये हंड्रेड वाइट का स्टोरेज होगा ये तो अगर ये करेक्टर है तो ठीक है ना और अगर, अगर अपन को ये मान लो कि इंटीजर दे रखा हो तो इंटीजर में दो दो बाइट के ब्लॉक बनेंगे तो अगर ये इंटीजर में होती तो अपन इसको है ना फिर टू हंड्रेड वाइट ऑक्यूपाई करके चलते हैं। अगर ये फ्लोट में होती तो फिर अपन फोर हंड्रेड वाइट का ये है ना एक्सपोर्ट साइज रिटर्न करेगा अगर ये मान लो कि डबल में होती तो देन ये है ना अपन को एट हंड्रेड वाइट का आंसर होगा फिलहाल अगर अपन इसको करेक्टर लेके चले तो करेक्टर लेके चलेंगे तो यहाँ पे है ना ये हंड्रेड इसकी साइज होगी तो करेक्टर के लिए ये ओनली ओनली फोर करेक्टर है ना ध्यान देने का पॉइंट है करेक्ट टाइप का डिक्लेरेशन तो उसके लिए मैं आंसर बता रहा हूँ अगर इंटीजर होता है तो फिर 200 अगर यहाँ इंटीजर होता है तो 200 पे टिक करते अगर यहाँ फ्लोट होता है तो 400 पे टिक करते अगर यहाँ पे डबल होता है तो 800 पे टिक करते तो आप ऐसे मान लो कि इंटीजर का जो डेटा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा दो बाई ट सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं है ना तो सी लैंग्वेज के हिसाब से आंसर है अगर अपन फ्लोट डेटा यूज करते हैं तो फोर बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है करेक्ट डेटा यूज करता हूँ तो वन बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है डबल डेटा में यूज करता हूँ तो टू बाई फोर वाइट या डबल में है ये एट बाइट यूज करेगा एट बाइट और अगर मैं लॉन्ग इंटीजर करता तो देन लॉन्ग इंटीजर में ये फोर बाइट मेमोरी लेता तो अपन को यहाँ है ना स्पेसिफाई नहीं करेगा कि कि किस तरह का डेटा है और साइज ऑफ क्या ये ऑपरेटर है साइज ऑफ क्या है ऑपरेटर है ये ऑपरेटर है तो ये क्या करता है कि ये टोटल साइज रिटर्न करेगा कि मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई हो रही है तो टोटल साइज 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 कितनी यूज कर रहा है 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 उसको रिटर्न करेगा तो 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 ऑफ़ एक स्पेशल ऑपरेटर के अंतर्गत आता एरे की क्या बनेगी है ना तो डेटा टाइप क्लियर नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो फिर अपन को अगर लेके चले तो इस पे आंसर पे आंसर भी मैं कह सकता हूँ बनाते हैं तो एरे बनाओगे तो ये जीरो वन टू थ्री अगर मैं ये, ये वैल्यू को आई से लेके चलूँ तो आई है ना यहाँ पे जैसे ये इसका नाम ए है और कोई किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को ए आई में यूज करूं स्क्वायर ब्रैकेट में तो इसको मैं है ना इंडेक्स भी कह सकता हूँ इंडेक्स वेरिएबल ठीक है ना इंडेक्स वेरिएबल भी मैं कह सकता हूँ और सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी कह सकता हूँ दोनों में से एक कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल है वेरिएबल में आई का मान जीरो होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आई की जीरो वन जीरो जाएगी, जाएगी। फिलहाल मैं आई यूज कर रहा हूँ तो वेरिएबल है तो इसको अपन इंडेक्स नाम दे सकते हैं तो इसका आंसर है ना बी रहेगा बी पे टिक करोगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एन एरे कैन बी इनिशियलाइज एरे में अपन ये तो ये तो मान लो कि मैंने डिक्लेरेशन कर दिया अब मैं कहता हूँ कि इसमें आप डेटा कैसे ला सकते हो तो इसमें डेटा को जो मैं असाइन करूंगा तो इनिशियलाइजेशन करने का मतलब होता है कि इसमें डेटा को define करो। तो initialization में करूंगा ना तो अपने तो, तो, तो अपने पास दो मेथड एक जैसे ए इक्वल थ्री किया और मैंने यहाँ पे तीन डेटा डिफाइन कर दिया तो ये तो आपका ना compilation time का प्रोसेस हो गया ये, ये तो कंपाइलेशन टाइम हो गया कंपाइल टाइम और एक होता है कि अपन है ना रन टाइम कर दें जैसे ए जीरो फाइव दे दिया है ना ए वन यहाँ पे मैंने सिक्स दे दिया ए टू यहाँ पे मैंने सेवन दे दिया तो ये वाला जो प्रोसेस है रन टाइम हो गया तो तो बोथ एंड एंड पे टिक करो तो इसका आंसर रहेगा ध्यान देने का पॉइंट है अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एरे नेम कि एरे नेम क्या होता है तो एरे नेम जो होगा वो एज वैसे तो अपन है ना उसको आइडेंटिफायर के अंतर्गत डाल सकते हैं जैसे वेरिएबल भी आपका आइडेंटिफायर में होगा आइडेंटिफायर में आता है फंक्शंस का कोई भी नाम देते हैं वो भी आइडेंटिफायर में आता है ऐसे स्ट्रक्चर का नाम देता हूँ वो भी आइडेंटिफायर में आता है तो एरे नेम क्या होता है एक कॉमन नेम होता है एक एरे इसमें पूरा डेटा ये शेयर कर लेगा जैसे अपन लिखते हैं ना कि एरे नेम है अब जैसे मैंने यहाँ ए रखा तो ये कॉमन नेम हो जाएगा यहाँ पे तो ये कॉमन नेम होगा ये कॉमन नेम होगा जिसमें अपन है ना ऑल डेटा को इस लोकेशन पे एक ए ए, ए के अंदर शेयर कर लेंगे तो ये मल्टीपल लोकेशन बनेगी और पे डेटा को फिल कर देंगे पर तो एक कॉमन नेम हो गया बाय ऑल एलिमेंट्स है ना वेरिएबल एन एरे वेरिएबल्स भी, भी नहीं होता नोट यूज नहीं होता प्रोग्राम तो इसका आंसर है ना ए पे आप टिक करोगे करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा तो ए पे टिक कर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वन डायमेंशनल एरे इज नॉन एज कि वन डायमेंशनल एरे या वन डी तो अपन डी को ये वेक्टर भी मैं कह सकता हूं। तो वेक्टर में भी आपका सिंगल डायमेंशनल एरे यूज होती है तो एक वेक्टर में भी जैसे सीरियल वे में ही वैल्यू चलती है टेबल्स में टू डी यूज होती है है ना एन एरे एरे ऑफ को भी अपन या मल्टी डायमेंशनल कह सकता हूँ मैट्रिक्स में भी टू डी अपन मैट्रिक्स बोलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा ए पे टिक करोगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एरे सबस्क्रिप्ट्स इन सी ऑलवेज स्टार्ट एट कोई भी अपन एरे का डिक्लेरेशन करते हैं तो जैसे मैंने कोई भी एरे बना दी है ना अब इसका जब डिक्लेरेशन करेंगे तो ये है ना तीन ब्लॉक्स बनेंगे ये जीरो वन टू ये है ना ऑटोमेटिकली अलाउ कर, करता है ये ऑटोमेटिकली होता है है ना और ईच ब्लॉक को ये जीरो फर्स्ट ब्लॉक को जीरो से ही स्टार्ट करेगा तो अपन ये सबस्क्रिप्ट लेके चलेंगे तो ऑलवेज अपन है ना जीरो से लेके चलेंगे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जीरो से आएगी है फर्स्ट वैल्यू को रेफर करेगा ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे तो ये हमेशा ना जीरो से चलेगा तो इसको बी पे टिक करेंगे पर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे डिक्लेरेशन इंटीजर एक्स फिफ्टीन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं कितने एलिमेंट फिफ्टीन एलिमेंट्स का कलेक्शन है तो फिफ्टी एलिमेंट्स का कलेक्शन है तो पे 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 है है ना ना टिक मैं इसका आंसर होगा फिर next देखो what are the types of array? किस की हो सकती है तो एरे ना इंटीजर भी हो सकती है एरे लॉन्ग टाइप की भी हो सकती है फ्लोट भी, भी हो सकती है डबल भी हो सकती है स्ट्रक्चर टाइप की भी एरे यूज कर सकता हूँ मैं इन्यूमेशन टाइप की भी यूज कर सकता हूँ करेक्टर टाइप की एरे भी हो सकता है तो अपन एरे में ना ये सब प्राइमरी डेटा टाइप है ये ये सब प्राइमरी ये तो आपका ना, है ना आप, सेकेंडरी डेटा टाइप का ना स्ट्रक्चर खुद डिजाइन कर सकते हैं है ना यूजर डिफाइन में आता है ये दोनों है ना ये दोनों सेकेंडरी में है ना यूजर डिफाइन में आता है ये यूजर डिफाइन तो यूजर खुद अपना डेटा एलोकेट कर सकता है करेक्टर आपका प्राइमरी है ये पूरा आपका प्राइमरी डेटा है तो एरे में ये है ना स्ट्रक्चर भी यूज कर सकता हूँ करेक्ट एरे, इन, टाइप के एरे भी मैं बना सकता हूँ तो पूरा डेटा टाइप यूज में ले सकता हूँ तो अपन है ना ऑल ऑफ द यहाँ पे डी पे टिक करो तो आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करेंगे अच्छा लगे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं थैंक यू